Hello students, in this session we will continue with exercise 8.2, question number 3. ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. See, what we have given is, we have given ABCD which is a rectangle. और P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है और S DA का मिड पॉइंट है, ठीक है। और हम ये डायगोनल AC जो है वो इस फिगर में ड्रॉ करते हैं। लेट्स राइट दिस थिंग डाउन। लेट अस ड्रॉ डायगोनल AC in rectangle ABCD, ठीक है। अब इस डायगोनल की वजह से, सी वी हैव अ ट्राइंगल ओवर हियर विच इज ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is a midpoint of BC. P is a midpoint of AB, Q is a midpoint of BC. इसका मतलब ये PQ जो है वो थर्ड साइड से पैरेलल और थर्ड साइड से हाफ होगा। That means PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC, got it? अब इसी तरह से we have a triangle ADC जिसमें S AD का मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। In triangle ADC, S is मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R is मिड पॉइंट ऑफ CD. Therefore, SR is parallel to AC and SR will be half of AC. Say this as equation 1 and this one as equation 2. इसका मतलब first और second का use करके we can say that PQ और SR equal होंगे और PQ और SR parallel होंगे. Therefore, from equation 1 and 2, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. Got it? Now, from this, we can say that PQRS is a parallelogram. जो PQRS बनेगा, ये एक parallelogram बनेगा. और अगर parallelogram में हम कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दे तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाएगा। गॉट इट? अब फॉर दैट वी हैव पी एज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ये ए पी और पी बी ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ट्राइंगल कंसिडर करो, ट्राइंगल ए पी एस और ट्राइंगल बी पी एस, ए पी एस एंड बी पी क्यू, सॉरी ए पी एस एंड बी पी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल कंसिडर करने हैं हमें। फॉर ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, वट डू वी हैव इज ए पी इज इक्वल टू पी बी। द रीजन इज पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर सी ये वाला एंगल, एंगल ए और ये एंगल बी, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि ए बी सी डी पूरा रेक्टेंगल है, तो इसके सारे एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव इज एंगल पी ए एस इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू। रीजन इज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, यानी कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के ही होंगे। गॉट इट? और इसके अलावा ये ए एस,
और बी क्यू, ये दोनों भी इक्वल होंगे. रीज़न इज़ ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. अब अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुई तो उनकी हाफ भी इक्वल ही होगी. गॉट इट? बिकॉज ये हाफ ऑलरेडी इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों हाफ भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. लेट्स राइट दिस थिंग डाउन तो कि अच्छे समझ में आएगा. सो इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी जो है वो हो जाएंगे इक्वल. अब ऑल्सो S is midpoint of AD. Therefore, AS is equal to SD is equal to half of AD. And similarly, Q is midpoint of BC. Iska matlab CQ is equal to QB is equal to half of BC. Let's observe this fact in a figure. See, S is a midpoint of AD. इसका मतलब ये AS और SD इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी और कितनी होगी, AD से हाफ होगी. सिमिलरली Q जो है वो BC का मिडपॉइंट है, मतलब QB और QC इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी और कितनी होगी, हाफ ऑफ BC. Got this point? So that is what we have written over here. अब हमने already बता दिया है कि AD और BC equal है. Why? Because they are opposite sides of rectangle. That means half of AD will be equal to half of BC. पर half of AD यानी कि AS और half of BC यानी कि QB. Therefore, from this, we can write that AS is equal to QB. Got it? So, from here, we can write AS is equal to QB. ये उसका पूरा reason हो जाएगा. Got the fact? इसका मतलब, according to side angle side criteria, triangle PAS is congruent to triangle PBS. यानी कि इसके जो corresponding part होंगे, here it will be PAS PBQ. Sorry. इसका मतलब इसके जो corresponding part होंगे PS और PQ, ये दोनों equal होंगे. So PS will be equal to PQ. Now observe this. PQRS रोम्बस पैरेललोग्राम है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है और अब इसके एडजेसेंट साइड भी हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब ये बन जाएगा एक रोम्बस. क्लियर? तो बस यही चीज को अब हमें लिखना है. लेट्स राइट इट डाउन. सो फॉर पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. Therefore, it is a rhombus. Got it?